Hello everyone, welcome to English Kyan. This is Shivashish Das. Today I have come up with another video on narration. This is the second video on this series of narration. हमने पहले वीडियो में narration के कुछ basic rules के बारे में जाना है और कुछ basic questions solve किए. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. Make sure that you have watched that video also before watching this one. And if you are still not a part of the English Kyan family, make sure that you have subscribed to this channel and also press the bell icon. So without wasting any time, let's start. So aaj ka jo first question hai, it is Tarun said to her, you must submit the papers today. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इट इज एन assertive सेंटेंस. सो इसका शुरुआत कैसा होगा? तरुण, हमको पता है assertive सेंटेंसेस में हम लोग अगर said to रहता है सो इट गेट्स चेंज टू told. सो इट विल बी तरुण told. सो तरुण किससे बात कर रहे हैं? इज टॉकिंग टू हर. सो इट विल बी तरुण told her. जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था, कॉमा और कोटेशन को रिमूव करके हम लोग एक लिंकिंग वर्ड यूज करते हैं, दैट इज That. यहाँ पे हमको इस यू को भी चेंज करना होगा. जैसा कि हम लोगों ने ये भी पिछले वीडियो में सीखा था कि हम लोग पर्सन कैसे चेंज करते हैं. हम लोगों ने सीखा था कि फर्स्ट पर्सन फॉलोज द सब्जेक्ट एंड सेकंड पर्सन फॉलोज द ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे यू है एंड यू इज द सेकंड पर्सन, सो इट विल फॉलो द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यहाँ पे है हर, दैट्स व्हाई हमको यू चेंज करके लिखना होगा शी. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हमको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे यू आर गेटिंग अ वर्ड मस्ट. अगर हमको assertive sentences में ऐसे मस्ट मिलता है, सो देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस. नंबर वन, वी कैन कीप दिस मस्ट एज इट इज. हम मस्ट को मस्ट ही लिख सकते हैं. ओके, और इसके बाद वाला पार्ट भी सेम रहेगा, मस्ट सबमिट द पेपर्स, और टुडे से चेंज होके हो जाता है That day. This is one of the ways in which you can solve this question. Another thing is that अगर हमको must मिलता है तो हम must ना लिख के we can also write had to. Yes, we can write had to because ये must एक compulsion indicate करते हैं. मतलब तुमको आज paper submit करना ही होगा. You are compelled to do this. And अगर compulsion होता है so we can also use had to. So, इस सेंटेंस के दो आंसर होंगे. वन इज तरुण टोल्ड हर दैट शी मस्ट सबमिट द पेपर्स दैट डे, और तरुण टोल्ड हर दैट शी हैड टू सबमिट द पेपर्स दैट डे. आई होप इट्स क्लियर. सो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज ही सेज आई वांट टू बी एन इंजीनियर. यहां पे भी हम लोग ने क्लियरली हमको समझ में आ रहा है इट्स एन असर्टिव सेंटेंस. सो असर्टिव सेंटेंस होने से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो सेज है वो सेज रहेगा. जैसा कि हम लोगों ने कल सीखा था, पिछले वाले वीडियो में सीखा था हम लोगों ने कि अगर से रहता है तो से बिकम्स से, अगर से टू रहता है सो इट बिकम्स टेल, अगर सेड रहता है तो इट रिमेन्स सेड, एंड अगर सेड टू होता है सो इट बिकम्स टो. सो यहाँ पे सेज है सो हम लोग सेज को सेज रख लेंगे. कॉमा एंड कोटेशन रिमूव करके इट विल बिकम दैट. अगेन यू आर गेटिंग आई. I the first person or first person follows the subject, that is यहाँ पे हम लोग I change करके लिखेंगे he. यहाँ पे हमको याद रखना होगा कि यह reporting verb is in the present tense. हम लोगों ने सीखा था पिछले वीडियो में कि अगर rule में है कि अगर reporting verb, अगर यह वाला reporting verb present tense या फिर future tense में होता है तो reported speech के tense में कोई भी change नहीं होता. आई थिंक आप सभी को याद है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है. जैसा कि यहां पे ये प्रेजेंट टेंस में है सो इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा. अगर इसके बजाय सेड होता तो हम वांट से लिखते वांटेड. प्रेजेंट टेंस से ये पास्ट टेंस हो जाता, वी वन से वी टू हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है सो वी हैव टू कीप इट As present tense, want को want लिखना होगा. लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ये notice करना होगा कि यहाँ पे want के पहले था I, that's why want रहा क्योंकि first person है. लेकिन जब हम लोगों ने person change किया ये I तो he हो गया,
थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है इसके बाद अगर प्रेजेंट टेंस वाला वर्ब बैठता है तो उस वर्ब के साथ हम लोग एस या फिर ईएस ऐड करते हैं, दैट्स व्हाई इट विल बिकम ही वांट्स, और बाकी का पोर्शन सेम रहेगा टू बी एन इंजीनियर. सो द फाइनल आंसर इज ही सेज दैट ही वांट्स टू बी एन इंजीनियर. दैट्स द क्वेश्चन नंबर 3. द ओल्ड मैन सेड टू अस आई वॉज वेरी स्टूडियस इन माई चाइल्ड. मतलब ये ओल्ड मैन अपने चाइल्डहुड में वो बहुत पढ़ाई करते थे. ही वॉज अ वेरी स्टूडियस मैन. सो लेट्स स्टार्ट. ये भी एक एसर्टिव सेंटेंस है. सो द सेंटेंस विल स्टार्ट इन दिस वे. द ओल्ड मैन एसर्टिव सेंटेंस में हम लोगों को जैसे पता है सेड्स टू से हम लोग लिखते हैं टोल्ड. अस तो अस रहेगा, कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हम लोग लिखेंगे दैट. अब अगर हमको पर्सन चेंज करना होगा फिर से वो वाला रूल हम लोग यूज करेंगे. आई इज फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन फॉलो करता है सब्जेक्ट को. यहाँ पे सब्जेक्ट है ओल्ड मैन होता है ही बिकॉज ही इज अ मेल. दैट्स व्हाई आई चेंज करके हम लोग लिखेंगे ही. आई होप अप टू दिस इट्स क्लियर टू यू. नाउ लेट्स सी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, और जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है. नाउ यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कोई भी वर्ब नहीं है, देयर इज ओनली एन ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज वाज, और यहाँ पे इसी वर्ब को लेकर हमको काम करना होगा. दिस वाज इज गिवन इन द पास्ट टेंस दैट इज योर वी टू में. जैसा कि शायद हमको पता होगा एम इज आर और बी, इन चारों ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग वी वन कंसिडर करते हैं, प्रेजेंट टेंस कंसिडर करते हैं. इन चारों ऑक्सिलरी वर्ब्स का वी टू मतलब पास्ट टेंस होता है वाज या फिर वेयर, और इन सभी का वी थ्री होता है मतलब पास्ट पार्टिसिपल होता है बी. एम इज आर बी, ये चारों होते हैं वी वन, वाज वेयर होते हैं वी टू, और बीन होता है वी थ्री. सो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वाज दिया हुआ है वी टू और रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है, और हम लोगों ने तो रूल भी सीखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है. टेंस चेंज कैसे होगा, वी टू से हो जाएगा वी थ्री. सो वाज का वी थ्री होता है बीन, लेकिन जब भी हम लोग वी थ्री यूज करेंगे उससे पहले हैड लिखेंगे जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था. दैट्स व्हाई हम लोग पहले हैड लिखेंगे और वाज का वी थ्री यूज करेंगे. दैट इज बीन वेरी स्टूडियस इन. यहां पे आप लोगों को दिखेगा एक वर्ड है माई, माई वर्ड आया है मी से और मी वर्ड आया है आई से, और ये आई होता है फर्स्ट पर्सन सो इट विल फॉलो द सब्जेक्ट दैट इज द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन होता है ही, तो हम लोग ही चाइल्डहुड नहीं लिख सकते हैं, हमको लिखना होगा इन हिज चाइल्डहुड. सो द फाइनल आंसर इज द ओल्ड मैन टोल्ड अस दैट ही हैड बीन वेरी स्टूडियस इन हिज चाइल्डहुड. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. Ranjan said to me, I did not attend the classes yesterday. Again, it's an assertive sentence. So, Ranjan will remain Ranjan. Assertive sentence mein said to se ho jata hai told. Me rehta hai me. Comma in quotation to remove karke hum log use karenge a linking word that. Yahan pe hai I, which is first person. Aur jaisa ki hum log ne pehle bhi kaha, first person follows the subject. सब्जेक्ट इज रंजन, सो हमको आई चेंज करके लिखना होगा ही. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हमको देखना होगा. यहाँ पे यू आर गेटिंग डिड नॉट और अगेन यू आर गेटिंग अटेंड, मतलब अटेंड है मेन वर्ब और ये डिड नॉट है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो हमको टेंस इंडिकेट करता है. हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं मेन वर्ब को देख के. हम लोग यहाँ पे देखेंगे अटेंड है जो कि प्रेजेंट टेंस है वी वन है, लेकिन हमको ये देखना होगा कि इस अटेंड से पहले यू आर गेटिंग दिस हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट व्हिच इज इन द पास्ट टेंस. तो अब हमको डिसाइड करना होगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है या फिर पास्ट टेंस में. सो वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर अगर वर्ब के पहले कोई अगर ऑक्सिलरी वर्ब होता है डू नॉट हो या फिर डिड नॉट हो या फिर डज नॉट हो कुछ भी हो,
या फिर वो डू डज एनीथिंग, तब हमको इसको देखने डिसाइड करना होगा कि वेदर द सेंटेंस इज प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। जैसा कि यहाँ पे डिड होने के कारण पूरा सेंटेंस इट विल बिकम पास्ट टेंस, यहाँ पे अटेंड लिखा हुआ हो स्टिल हमको ये डिसाइड करना होगा कि दिस सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस। और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है, तो जैसा कि हमको याद होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होगा, और टेंस चेंज कैसे होगा, ये V2 हो जाएगा V3। और हम लोग V3 कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज ए हैड, यहाँ पे नॉट है इसी कारण हम लोग नॉट लिखेंगे, और जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब का हमको थर्ड फॉर्म लिखना होगा, मतलब अटेंडेड, सो इट बिकम्स ही हैड नॉट अटेंडेड द क्लास, तो द क्लास रहेगा, और यस्टरडे इट बिकम्स द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। सो द फाइनल आंसर इज रंजन टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट अटेंड द क्लासेस द प्रीवियस डे। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, अगर कभी भी कुछ वर्ब के आगे डू नॉट या फिर डू या फिर डिड या फिर डज होता है तो ये वाला देख के हम लोग पूरा सेंटेंस का टेंस डिसाइड करेंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड योर फादर मेट मी यस्टरडे राज। इस क्वेश्चन में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे शी सेड के बाद कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे स्पीकर है सब्जेक्ट है लेकिन लिसनर हमको नहीं दिख रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। लेकिन अगर हम ये सेंटेंस अच्छे से पढ़ेंगे, शी सेड ओके उसने कहा योर फादर मेट मी यस्टरडे राज, तुम्हारे पिताजी मुझसे कल मिले थे राज। इस राज नाम के कारण यहां हमको एक चीज समझ में आएगा कि हियर शी इज टॉकिंग टू राज, मतलब उसने सेंटेंस में ही राज का नाम लेके बोला कि राज तुम्हारे पिताजी से मैंने मुझसे कल उनका मीट हुआ था, मैंने उनसे कल मुलाकात की थी। सो शी इज टॉकिंग टू राज, सो इवन दो यहाँ पे सेड के बाद कुछ नहीं है, सेड टू कुछ नहीं है, लेकिन हमको अज्यूम करना होगा कि यहाँ पे सेड के बाद राज है, दैट इज व्हाई अगर यहाँ पे कुछ नहीं भी दिया होगा लेकिन अगर सेंटेंस में ऐसे मेंशन किया हुआ है कि वो किससे बात कर रही है तो यहाँ पे हमको अज्यूम करना होगा कि सेड के बाद कुछ ना कुछ है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, शी तो शी रहेगा, यहाँ पे सेड लिखा हुआ है लेकिन हमने अज्यूम किया है यहाँ पे शी इज टॉकिंग टू राज, दैट्स व्हाई इट विल बिकम शी टोल्ड राज। अब तो पहले की तरह एक कॉमा एंड कोटेशन रिमूव करके दैट यूज करेंगे, योर, योर वर्ड आया है यू से जो कि है सेकंड पर्सन, और हमको पता है सेकंड पर्सन फॉलोज द ऑब्जेक्ट, अगर क्वेश्चन में हम ऐसे देखेंगे तो देयर इज नो ऑब्जेक्ट, लेकिन हमको पता है शी इज टॉकिंग टू राज, सो ऑब्जेक्ट है राज जो कि है मेल जो कि है ही, सो हम लोग यहाँ पे ही फादर तो नहीं लिख सकते, सो हमको लिखना होगा His father, मतलब राज के पिताजी। यहाँ पे अगेन यू आर गेटिंग द वर्ब मेट, मेट इज इन द पास्ट टेंस बिकॉज हमको पता है मीट के तीनों फॉर्म है मीट मेट मेट, सो हमको एज्यूम करना होगा कि ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब भी है पास्ट टेंस में, सो दिस V2 विल बिकम V3, और V3 हम लोग कैसे लिखते हैं, V3 हैड लिखते हैं, और मीट का पास्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपल दैट इज मेट, She, his father had met. अब हमको इस me का function करना होगा, me has come from I, और ये I follow करेगा she को, that means she, so हम लोग देखेंगे sentence में क्या fit बैठता है, his father had met she, लिखने से नहीं होगा, तो हमको लिखना होगा his father had met her, और yesterday से हो जाता है the previous day, और एंड में जो राज है वो हम लोग नहीं लिखेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज दिस थिंग हियर, सो द फाइनल आंसर इज शी टोल्ड राज दैट हिज फादर हैड मेट हर द प्रीवियस डे। आई होप आप सभी को यह सेंटेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। सो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट सेंटेंस, दे सेड टू हिम आवर टीचर एक्सप्लेन्ड अस द पोएम अगेन, लेट्स सी ये कैसे होगा, दे तो दे रहेगा, सेड टू से हो जाएगा टोल्ड, हिम भी हिम रहेगा, कॉमा एंड कोटेशन रिमूव करके हम लोग यूज करेंगे दैट,
यह साइड हम लोगों ने आई थिंक अब तक हम लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं। यहाँ पे है आवर टीचर, ये आवर वर्ड आया है वी से, जो कि है फर्स्ट पर्सन, और ये फर्स्ट पर्सन फॉलो करेगा सब्जेक्ट को, मतलब दे को। सो हम लोग यहाँ पे तो दे टीचर नहीं लिख सकते, हम लोग को लिखना होगा देयर टीचर, मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे टीचर ने एक्सप्लेन किया। सो हम लोग जब बोलेंगे तब हम लोग कहेंगे कि उन लोगों के टीचर ने एक्सप्लेन किया। सो वी हैव रिटन देयर टीचर। एक्सप्लेन इज अगेन इन द पास्ट फॉर्म वी टू है, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है, सो दिस वी टू विल बिकम वी थ्री, दैट इज वी हैव टू राइट हैड। और एक्सप्लेन का थर्ड फॉर्म क्या होगा, एक्सप्लेन्ड। अगेन यहाँ पे है अस, अस आया है वी से, we have first person follows the subject that is they, so explained they तो हम लोग नहीं लिख सकते, हम लोगों को लिखना होगा explained them, वो explain नहीं है क्या, उन लोगों को explain किया, that's why we have written them, the poem again, so the final answer is they told him that their teacher had explained them the poem again। So I hope आज जो 6 sentences हम लोगों ने किए हैं, आप सभी को उनके related rules समझ में आए हैं और उनको कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे ये समझ में आया है। Still, if you have any doubts or any questions related to these sentences, feel free to drop in your questions in the comment section below. Now I will share some questions with you, जो कि आप घरों में try कीजिए, और मैं मेरे अगले वीडियो में उन सबके क्वेश्चंस के आंसर्स को लेके आऊंगा, सॉल्यूशंस को लेके आऊंगा, कैसे हुआ और क्यों हुआ, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो चलिए लेट्स हैव अ लुक एट दोस क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के लिए टास्क है। दीस 5 क्वेश्चंस आर, रमेश सेड आई हैव बॉट ए बुक फॉर यू पायल। नंबर 2, शी सेज टू हर फादर आई वांट टू विजिट द जू। Number 3, I said to him, you may use my laptop for your work. Number 4, the doctor said to the lady, I was very confident of your recovery. And number 5, he said to his mother, I shall purchase a beautiful gift for you. आप ये 5 questions try कीजिए घर पे। You can send me the answers in the comment section also. And मैं मेरे अगले वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन के साथ आऊंगा, और हम कई नए और नरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ और रूल्स सीखेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश ज्ञान फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।